हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल शाइन विद प्रीशा में। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही सिंपल, इजी, क्विक यट डिलीशियस पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है पनीर भुर्जी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। यहाँ मैंने 150 ग्राम ग्रेटेड पनीर लिया है। ये मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है पनीर को। साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक बड़ा टमाटर, दो मीडियम साइज़ के चॉप अनियन है और मैंने फ्रोजन मटर लिया, फ्रेश मटर ले सकते हैं, साथ में हरी मिर्च और धनिया पत्ता। एक गर्म पैन में मैंने 3 चम्मच के तकरीबन मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप घी, तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तेल गर्म हो जाए। उसके बाद मैंने 1-1 चम्मच जीरा और राई का तड़का डाल दिया है। साथ में इनको थोड़ा सा हम चटकने दे देंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की मैंने चॉप्ड अनियन यूज़ की है। इसे आप अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। साथ में हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मैंने 1 टीस्पून के तकरीबन जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। इसे फ्राई कर लें अच्छे से। थोड़ा सा मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून के तकरीबन मैंने नमक डाला है कि कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए। इसके साथ हम टमाटर यहाँ ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने 1 बड़ा टमाटर यूज़ किया है। हरी मिर्च हम ऐड कर देंगे। साथ ही मैम सारा मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ ऐड किया है। मिक्स करते हैं इसे अच्छी तरह से। 1 चम्मच के तकरीबन मैंने यहाँ किचन किंग मसाला ऐड किया है। मिक्स कर ले। थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच मैंने पानी ऐड किया है ताकि मसाले अच्छी तरह से घुल मिल जाए। ढक देंगे हम बस 1 मिनट के लिए। इसे ढकेंगे, मीडियम फ्लेम आपकी अभी होनी चाहिए यहाँ पे बिल्कुल। ये देखिए मसाला अभी अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसे हम स्पैटुला की मदद से अच्छे से मैश कर देंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच हाथ से क्रश करके मैंने ऐड किया है। इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है भुर्जी में। अब हम मटर ऐड कर देंगे। आई पर्सनली लाइक टू ऐड पीस इन पनीर भुर्जी रेसिपी, इसलिए मैंने ऐड किया है। अब हम ग्रेटेड पनीर ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे हाथ से तोड़ के स्क्रैम्बल करके भी पनीर यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही धीरे से आप इसे मिक्स करना है, जेंटली मिक्स करना है पनीर को। साथ में हम नमक और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करिएगा क्योंकि हमने पहले भी नमक ऐड किया है। मिक्स कर ले इसे अच्छी तरह से। देन इसे हम ढक देंगे बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए। फ्लेम हमारी बिल्कुल मीडियम होगी अभी। मिक्स कर ले इसे अच्छी तरह। फिर हम यहाँ पे 1/4 कप के तकरीबन पानी ऐड कर देंगे क्योंकि बहुत ड्राई थी हमारी पनीर भुर्जी, तो ये थोड़ी ग्रेवी वाली बनेगी पनीर भुर्जी। मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच के तकरीबन बटर ऐड कर रही हूँ। बटर ऐड करके आप अच्छे से इसे मिला लें। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ धनिया पत्ता ऐड कर दिया है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर ले और हम बस इसे और लास्ट 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। उसके बाद आपकी पनीर भुर्जी बिल्कुल रेडी है। आप इसे तवा रोटी के साथ, पराठे के साथ, बटर पाव के साथ या फिर एज अ सैंडविच फिलिंग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और हमारे चैनल के साथ। अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।